ये दुनिया टेक्नोलॉजी में कितनी आगे चली गई है ना, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमारे देश के लोगों के पास है वो टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी और कोने में मिल ही नहीं सकती। अंग्रेजों ने चाहे हमारे देश को कितना भी लूटा हो, लेकिन हमारे देश के लोगों में जो टैलेंट है उसे कोई भी नहीं लूट सकता। और आज की वीडियो में मैं आपको हमारे देश के ऐसे ही टैलेंटेड लोगों से मिलवाने वाला हूँ जिनके जुगाड़ को देखकर आप खूब हंसने वाले हो और कुछ को देखकर तो आप शौक रह जाएंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो ऐसे अमेजिंग जुगाड़ को देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। अब देखो यार, हमारे देश में जितनी भी शादियां होती हैं वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है टेंट में, यानी कि जहां पर खाना खाते हैं वहां पर बहुत बार बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत लोग बैठकर आराम से खाना नहीं खा पाते। लेकिन अब जरा हमारे देश के इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे के दिमाग को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि यार इस बच्चे ने कितना गजब का दिमाग लगाया है। यही तो वो बच्चे हैं जो आने वाले समय में ऐसे ऐसे आविष्कार करेंगे जो दुनिया ने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अब ये जुगाड़ आप भी शादी में जरूर ट्राई करें। इस बंदे ने जो जुगाड़ लगाया ना, उसको देखने के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि इस बंदे को अगले महीने दिल्ली बुलाया जाए, क्योंकि इस बंदे को अवार्ड दिया जाएगा। आप जरा खुद ही देख लीजिए, ये बंदा अपने बाल धोने के लिए क्या तकनीक लगा रहा है। नो 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 नो। Look at the top of his head. अब आप खुद सोचिए, अगर आप रात के समय में ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको रात के समय में ट्रेन में बैठे बैठे सोने में कितनी ज्यादा तकलीफ होती होगी। लेकिन इन भाई साहब ने इसका भी इलाज निकाल लिया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये बंदा अब आत्मनिर्भर बन चुका है, क्योंकि इस आदमी को किसी और के कंधे पर सर रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यही तो वो टैलेंट है जो अपने देश को दूसरे देशों से अलग बनाता है। आजकल कोरोना कितना ज्यादा फैल गया है ये सब आप जानते होंगे, जिसकी वजह से सरकार ने कहा है कि हर कोई मास्क लगाकर बाहर निकलेगा और बिना मास्क के कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब इन चाचा के पास मास्क तो था नहीं, तो देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए एक बोरी को अपने मुंह पर ढक लिया। चाचा के इस जुगाड़ को देखकर कोरोना भी सोच रहा होगा कि मैं इंडिया में गलत घुस गया, इंडिया वाले तो बड़े तेज हैं भाई। हाँ, वो तो हम हैं ही। अगर आपके पास एक कार है लेकिन उसमें एसी नहीं है, तो आप ये वाला जुगाड़ जरूर ट्राई करें। ये जुगाड़ आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस गाड़ी में ये पाइप इस तरीके से लगाए गए हैं कि जैसे ये कार चलेगी वैसे ही हवा उस पाइप में जाएगी और वो हवा कार में बैठे हुए लोगों को लगेगी। लेकिन इस जुगाड़ में एक छोटी सी दिक्कत है कि जो हवा आपको लगेगी वो गर्म होगी या ठंडी, वो सिर्फ नेचर पर डिपेंड होगी, बाकी इस जुगाड़ में कोई भी कमी नहीं है। अब यार अगर कोई फंक्शन हो और वहां पर बैठने की जगह ना मिले तो बड़ी दिक्कत होती है भाई। लेकिन अपने इंडिया वालों ने अपने 200 IQ से इसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। आप यहां पर देख ही सकते हैं कि एक बंदा कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरा बंदा उसके घुटने पर, तीसरा बंदा दूसरे बंदे के घुटने पर, इसी तरीके से पूरी लाइन बना रखी है। और ऐसे करते करते चाहे तुम कितने ही लोगों को बिठा सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि किसी बीच वाले बंदे को अगर बाथरूम लग जाए तो शायद इस जुगाड़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब लेट कर खाना खाते हुए फोन चलाना पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना? नहीं। अरे नहीं ब्रो, अब ये पॉसिबल है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कैसे ये बंदा लेट कर फोन चलाते हुए खाना खा रहा है। मतलब बंदे ने पंखे का क्या यूज किया है। अगर ये टेबल फैन कुछ बोल पाता ना तो एक ही बात कहता, सच में बंदे ने पंखे की शक्तियों का कुछ ज्यादा यूज कर लिया। अब अगर आपको मैं कहूं कि आपको किसी ट्रेन में बैठने वाली सीट पर लेटकर सोना है तो आप क्या कहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस बंदे ने अपने जुगाड़ से इसका भी इलाज निकाल लिया है। आप इस फोटो में देख ही सकते हैं कि इस बंदे की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब तो यार मुझे इंडियन होने पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। अगर आप एक ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका बजट एक बाइक को खरीदने जितना है, तो आप ये वाला जुगाड़ ट्राई कर सकते हैं। अब ये ना तो एक बाइक है ना ही एक ट्रैक्टर, ये एक ऐसा जुगाड़ है जो सिर्फ इंडिया में ही किया जा सकता है। यही तो वो जुगाड़ है जो हमारे देश को दूसरे देशों से अलग बनाते हैं। हाँ तो भाइयों, आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, उस घंटी को ऑल पर सेट कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले।
और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई वीडियो या फोटो है तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। हाँ, तो मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।